हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज लालीगा में बहुत बड़े बड़े गेम्स हैं जिनके चलते तुमको कल लालीगा का टेबल कुछ अलग नज़र आ सकता है। अगर पहले गेम के बारे में बात करा जाए तो विलारियल वर्सेस रियल मैड्रिड है, उसके बाद तुमको सेविला वर्सेस सेल्टा वीगो देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा मैच जो है वो है एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, जो तुमको रात को 1:30 AM में देखने को मिलेगा लाइव ऑन एकेजी डिस्कॉर्ड सर्वर। तो अगर तुम मैच को लाइव देखना चाहते हो तो ज्वाइन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर राइट नाउ, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं और आप सब भाई लोग बैठ करके मैच का जो है वो लाइव लुफ्त उठाएंगे। साथ ही साथ एक और बात, यहाँ पे कोई फेसबुक की लाइव स्ट्रीम नहीं होती है, वी स्ट्रीम विथ कॉमेंटेटर, द लेजेंडरी कॉमेंटेटर रे हडसन की कॉमेंट्री। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो भाई ज्वाइन कर लें, लिंक है जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। अगर मैच प्रीव्यू के बारे में बात कर लिया जाए तो भाई साहब, सबसे पहले हम एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर नज़र डालते हैं। एथलेटिको मैड्रिड का इस सीज़न का रन बहुत ही प्यारा जो है वो चल रहा है। With only 7 games played, they have win 5 matches, जहाँ पे वो 2 draw भी निकाल के लेके आते हैं, but they are unbeaten this time, 0 losses हैं उनके इस बार। और साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे notice करने वाली बात यह है कि with 3rd position on the table, they have 2 games का advantage over Real Sociedad, जो number 1 पे चल रही है। तो तुम देखो, is almost an almost perfect run for Atletico Madrid अभी तक के लिए लालीगा में। इनके competitors के बारे में अगर हम बात कर लें, of course बार्सिलोना और रियल मैड्रिड हमेशा से फेवरेट रहते हैं लालीगा जीतने के लिए। दे बोथ आर स्ट्रगलिंग एट द मोमेंट इन लालीगा, और एक तरफ एथलेटिको मैड्रिड इज ऑलमोस्ट ऑन अ वेरी परफेक्ट रन, और इस मैच में जीतने के बाद वो भाई साहब अपने परफेक्ट रन को जो है वो बहुत ही प्यारा बूस्ट देने के लिए तो एकदम मतलब तृप्तित होंगे कि भाई साहब हमको जो है वो तो ये मैच जीतना है और लालीगा जो है वो भाई साहब जीतना है। और अगर वो जीत भी जाते ना ये वाला मैच, तो फिर दे विल बी गेटिंग 3 वेरी एसेंशियल पॉइंट्स इन लालीगा, और वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लॉन्ग टर्म यू नो रन के लिए। लेकिन इतना भी आसान नहीं होगा एथलेटिको मैड्रिड के लिए जीतना इस मैच में, क्योंकि उनके 2 बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कोरोना वायरस के चलते आउट हैं, लुइस सुआरेस ऑफ कोर्स एंड लुकास टेरेरा, जो बहुत ही प्यारे, दोनों बहुत ही प्यारा रन चल रहा था उनके सीज़न का, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते दे आर आउट। साथ ही साथ देयर आर कुछ कुछ इंजरीज ऑल्सो, सैविच भी आउट है, हरेरा भी आउट है, वर्सेल्को भी आउट है इंजरीज के चलते, साथ ही साथ डिएगो कोस्टा भी जो है वो आउट है। तो बहुत ही एसेंशियल प्लेयर्स जो हैं वो तुमको बाहर बैठे हुए नज़र आ सकते हैं इस मैच में। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम रियली सैड दैट लुइस सुआरेस वर्सेस लियोनेल मेसी इस बार हमको देखने को नहीं मिलेगा ड्यू टू कोविड। और यार एक समय फिर वही रोनाल्डो वर्सेस मेसी में रोनाल्डो को कोविड हो गया, अब देखो लुइस सुआरेस को कोविड हो गया। बट अगर बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो भाई शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ है और हम थोड़ा सा यहाँ पे चैन की सांसें जो हैं वो ले सकते हैं। लेकिन इतना भी चैन की सांसें लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जोआओ फेलिक्स जो है वो भाई साहब बहुत ही प्यारे फॉर्म पे जो है वो चल रहा है, एंड ही विल ऑफ कोर्स स्टार्टिंग द मैच। साथ ही साथ कोके और निकवेस दोनों जो हैं वो स्टार्ट करेंगे मैच में। और अगर मैं उनकी स्टार्टिंग 11 के ऊपर नज़र मार लूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-4-2 का जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं एथलेटिको मैड्रिड, जहां पे ज्वाइन करेंगे फेलिक्स को कोरेरा। और भाई सब, कोरेरा जो है वो अच्छे फॉर्म पे चल रहा है, फेलिक्स भी अच्छे फॉर्म में चल रहा है। उनके मिडफील्ड के बारे में अगर हम बात कर लें, करेस्को जो है वो स्टार्ट करेगा, जो पिछले मैच में 2 पेनाल्टीज लेके आया था और अगेंस्ट बार्सिलोना को पता नहीं करेस्को को क्या हो जाता है, आत्मा चढ़ जाती है उसके अंदर। साथ ही साथ नेगोएस, कोके और लॉरेंटे जो है वो भी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। बैक लाइन में हरमेसो, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल प्लेयर है, डिफेंडर भी है और लेफ्ट बैक भी है, वो भी जो है वो तुमको खेलते हुए नजर आएगा। जिमिनेस, फिलिपे, ट्रिपियर, साथ ही साथ जो है वो ऑब्लैक जिनको स्टार्ट करते हुए नज़र आ सकता है इस मैच में। तो इनकी स्टार्टिंग 11, ऑल दो इनके पास इंजरीज हैं, बट स्टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू यू नो बीट बार्सिलोना, नॉट वेरी इजीली, बट हाँ दे कैन बीट बार्सिलोना एंड हर्ट अस, हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अगर हम बार्सिलोना के बारे में बात कर लें तो वी ऑल नो कि भाई साहब हम लालीगा में बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी जो है हमारा हाल वो ऐसा है कि वी आर सिटिंग ऑन दी 8th पोजीशन इन दी टेबल विथ 11 पॉइंट्स, ठीक है। और ये अगर इस मैच में अगर हम विन निकाल के लेके आते हैं तो ऑफकोर्स वो जो है हमको हेल्प करेगा लालीगा में सर्वाइव करने के लिए ऑन दी लॉन्ग टर्म, यू नो, क्योंकि बड़े टीम के खिलाफ 3 पॉइंट निकाल के ले आना यू नो हमेशा से बेनिफिशियल रहा है। लेकिन हम ना मतलब अपने बैड फॉर्म के बावजूद भी जो है वो अनबीटन रहे हैं सिंस रियल मैड्रिड वाला मैच जो हुआ था 24 अक्टूबर को। 4 मैचेस उसके बाद हुए हैं, बार्सिलोना वर्सेस जुवेंटस जिसमें हम 2-0 निकाल के लेके आते हैं, 1-1 होता है एलवेस के खिलाफ, एंड देन डायनामो के खिलाफ 2-1 होता है, एंड अभी रिसेंटली रियल मैड्रिड के खिलाफ 5-2 होता है। तो
डिस्पाइट ऑफ आर बैड फॉर्म वी आर अनबीटन सिंस आर लास्ट 4 मैचेस, और वो चीज़ बहुत ही अच्छी बात है। और अब तो कटिनियो जो है वो इंजरी के बाद वापस आते हुए हमको दिखेगा, बट आई हाईली डाउट कि वो जो है वो स्टार्ट करेगा हमारे स्टार्टिंग 11 में। बट यहाँ पे थोड़ी सी दुखी वाली बात ये है कि आर गोल स्कोरर अंशु फाटी इज आउट इन दिस मैच ड्यू टू एन इंजरी। साथ ही साथ एक थोड़ी सी हंसी वाली बात ये है कि सर्जियो बुस्केट्स जो है वो हमको स्टार्ट करते हुए नहीं नजर आएंगे। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, इस गेम के प्रस्पेक्टिव से जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड थोड़ी सी स्लो खेलती है, आई गेस सर्जियो बुस्केट्स अगर होता तो कहीं ना कहीं हमको हेल्प जो है वो मिलता। लेकिन अगर हम अपने स्टार्टिंग 11 के ऊपर नजर डालें तो ऑफकोर्स विल बी स्टार्टिंग विद अ 4-2-3-1, जहाँ पे ग्रीज़मैन स्टार्ट करेंगे स्ट्राइकर के रोल में। हमारे तीन प्लेयर्स होंगे पेड्री, मेसी एंड डेम्बेले, और यहाँ पे डेम्बेले का यूज़ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड ना बहुत नैरो होकर चलती है। दे डू नॉट यू नो रियली फोकस ऑन द विंग्स, और डेम्बेले के रन जैसा सेम उसने जुवेंटस के खिलाफ बना के मारा था जहाँ पे मेसी ने असिस्ट दिया था डेम्बेले को, वैसा तुमको यहाँ पे कुछ होते हुए नजर आएगा। आई एम प्रिटी श्योर तुम देखना डेम्बेले विंग से अगर खेलेगा तो वो हर्ट कर सकता है एथलेटिको मैड्रिड को। और अगर बात कर लिया जाए हमारे डबल पिवट की, तो ऑफकोर्स वहाँ पे जो है वो हमको डिजोंग और पियानिच देखने को मिलेंगे क्योंकि बुस्केट इज आउट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। हमारा डिफेंसिव लाइन जॉर्डी एल्बा, पीके, लैंगलेट और सर्जिनियो डेस्ट के तरह कैसे नजर आ सकता है। एंड व्हाई आई एम सेइंग सर्जिनियो डेस्ट, बिकॉज रोबर्टो जो है वो स्पेन के लिए खेला था, एंड आई थिंक सर्जिनियो डेस्ट का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो जो पेस लेके आता है मेरे ख्याल से वो काउंटर अटैक्स जो एथलेटिको मैड्रिड बनाएगी विद जोआ फेलिक्स, और हो सकता है कि उसमें कोरिया भी जो है वो इंक्लूड हो, लॉरेंटी भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए सर्जिनियो डेस्ट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट। बट इन दी गोल ऑफकोर्स हमको टर स्टेगन देखने को मिलेगा आर जर्मन वॉल। यहाँ पे मैंने एक चीज बोलनी भूल गई कि भाई साहब पेड्री के बदले हो सकता है कि हमको कटिन्यू स्टार्ट करते हुए दिख जाए, क्योंकि हम जानते हैं रोनाल्डो कोमैन पगला आदमी कुछ भी कर सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन के तरीके से कटिन्यू आए और जो है वो पेड्री को जो चेंज करे, हो सकता है। अब बात कर लिया जाए प्रेडिक्शन की, ऑफकोर्स जो है वो मैं ये कहता हूँ कि भाई साहब देखो अगर मैं दिमाग से बताऊँ तो मेरे को लगता है कि यह मैच होगा ड्रॉ विथ अ 2-2 स्कोर लाइन, बट दिल से बोलूँ तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बार्सिलोना जीत सकती है। एंड आप अपने प्रेडिक्शन को बताओ कमेंट सेक्शन में, एंड आई प्रॉमिस भाई अगले वीडियो में पक्का शाउटआउट मिलेगी, नाम वाम बोल के मैं भूल जाता हूँ लेकिन अगले वीडियो में जो है मैं वो शाउटआउट दूंगा तुमको। बट ऑल आइज ऑन भाई साहब हमारे लियो मेसी भाई, इनके ऊपर जो है वो नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ भाई के अंदर पता नहीं आत्मा आ जाती है, भाई बहुत प्यारा खेलते हैं, तो आई रियली होप सो कि आप जो हैं वो 2-3 गोल मारें इस मैच में और ग्रीज़मैन को भी एक आध दो असिस्ट दे दो ताकि जो भी हल्ला हो रहा है ग्रीज़मैन और मेसी के बीच में रफनेस का, वो जो है उससे थोड़ा सा पर्दाफाश हो और दोनों जो हैं वो टीम के लिए अच्छा खेलें। भाई जो भी है अलग करो बट गेम सही से खेलो, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। ये था मेरी प्रिडिक्शन, ये था मेरा प्रीव्यू। टिल दी नेक्स्ट वीडियो आई एम आशीष के सनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस। आ जाना रात को 1:30 AM पे डिस्कॉर्ड सर्वर पे लाइव मैच देखने के लिए, और अपने प्रिडिक्शन डाल दो कमेंट में, अच्छे प्रिडिक्शन डालना भाई, है ना, जीतना है हमको ये मैच, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो आई एम आशीष के सनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर, पीस, विस कल बारसा, जय हिंद।